सूत्रधार पर सुनते हैं वेद व्यास की महाभारत। आप सुन रहे हैं सूत्रधार प्रस्तुति वेद व्यास की महाभारत। मैं हूँ आपके साथ आपकी सूत्रधार मान्या शर्मा, जो लेकर जाएगी आपको महाभारत के युग में। पिछले एपिसोड में द्रौपदी राजा युधिष्ठिर को क्षमा और तेज के विषय में बता रही थी और बताते हुए कौरवों को पांडवों का बल दिखाने के लिए प्रेरित कर रही थी। चलिए जानते हैं कि राजा युधिष्ठिर द्रौपदी को क्या उत्तर देते हैं। राजा युधिष्ठिर ने कहा, द्रौपदी, क्रोध ही मनुष्य को मारने वाला है। तुम यह जान लो कि क्रोध को जीतने से उन्नति और उसके वशीभूत होने से अवनति मिलती है। क्रोध विनाशकारी है। साधु पुरुष भी क्रोध को जीतने वालों की ही प्रशंसा करते हैं। इस समय भरत वंश के विनाश के लिए यह बड़ा भारी समय आ गया है। मैं पहले से ही जानता हूँ कि दुर्योधन किसी भी तरह क्षमा भाव को अपना नहीं सकता, लेकिन मैं क्षमा करने के योग्य हूँ, इसीलिए मैं उसे क्षमा करता हूँ। द्रौपदी ने कहा, राजन, आपके ऊपर आई हुई इस विपत्ति को देखकर और दुर्योधन की समृद्धि को देखकर मैं उस विधाता की निंदा करती हूँ जो यह सब देखकर भी उचित विचार नहीं करते। ऐसा कहकर द्रौपदी ने राजा युधिष्ठिर को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन राजा युधिष्ठिर बोले, यज्ञसेन कुमारी, तुमने जो कुछ बातें कही हैं वह सुनने में बड़ी मनोहर, विचित्र और सुंदर हैं। मैंने उसे बड़े ध्यान से सुना है, परंतु इस समय तुम अज्ञानता की बातें कर रही हो। मैं कर्मों के फल की इच्छा रखकर उनका अनुष्ठान नहीं करता, अपितु देना कर्तव्य है, यह समझकर दान देता हूँ और यज्ञ को भी कर्तव्य मानकर ही उसका अनुष्ठान करता हूँ। मैं धर्म का फल पाने के लोभ से धर्म का आचरण नहीं करता, अपितु साधु पुरुष के आचार व्यवहार को देखकर मन से धर्म का पालन करता हूँ। द्रौपदी ने कहा, राजन, मैं धर्म की अवहेलना नहीं करती और ना ही ईश्वर की अवहेलना करती हूँ। पूर्व काल में मेरे पिताजी ने अपने घर पर एक विद्वान ब्राह्मण को ठहराया था। उन्होंने पिताजी को बृहस्पति जी के द्वारा बताई गई नीति का उपदेश दिया था। अपने भाइयों के साथ मैंने भी उस नीति को सुना है। आप अपने शत्रुओं को सदा क्षमा नहीं कर सकते। मनुष्य अपने भाग्य के भरोसे नहीं बैठ सकता, उसे प्रयत्न और कर्म करने ही होते हैं। मनुष्य स्वयं कर्म करके जो कुछ प्राप्त करता है उसे पुरुषार्थ कहते हैं। मनुष्य कभी अपने आप का अनादर ना करे, अपने आप को छोटा ना समझे। जो स्वयं अपना आदर नहीं करता उसे उत्तम ऐश्वर्य की प्राप्ति नहीं होती। ऐसी ही कई कर्मयुक्त बातें द्रौपदी ने राजा युधिष्ठिर से कही। द्रौपदी की कही हुई बातें सुनकर भीम क्रोध से भरकर अपने स्थान से उठकर राजा युधिष्ठिर के पास आए और बोले, महाराज, धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों से वंचित होकर इस तपोवन में निवास करके हमारा कौन सा प्रयोजन सिद्ध हो रहा है? शत्रुओं ने हमारे राज्य का अपहरण कर लिया है। अर्जुन द्वारा सुरक्षित हमारे राज्य को इंद्र भी नहीं छीन सकते, परंतु आपकी असावधानी से वह हमारे देखते देखते छिन गया। हम बार बार शत्रुओं के अपराध को क्षमा करते जा रहे हैं, लेकिन समर्थ होते हुए भी यह सभी कौरव हमें निर्बल मानने लगे हैं। राजन, आप युद्ध का निश्चय करके शत्रुओं का विनाश क्यों नहीं कर देते? भीम की सभी बातें सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, भीमसेन, तुमने जो कुछ कहा वह सही है। आज मेरे ही कारण हम सब इस विपत्ति में आ फंसे हैं, लेकिन भीमसेन, मेरी यह सच्ची प्रतिज्ञा है, मैं जीवन और अमृतत्व की अपेक्षा भी धर्म को ही बढ़कर मानता हूँ। भीमसेन ने राजा को समझाने के लिए कई बातें कही और उनसे कहा, राजन, अब अज्ञातवास के समय जो हम लोगों को छिपा कर रखना चाहते हैं, इससे जान पड़ता है कि आप एक मुट्ठी तिनके से हिमालय पर्वत को ढक देना चाहते हैं।
आप इस भूमंडल पर विख्यात हैं। जैसे सूर्य आकाश में छिपकर नहीं रह सकता, उसी प्रकार आप भी कहीं छिपे रहकर अज्ञातवास का नियम पूरा नहीं कर सकते। ये अर्जुन कहीं भी अज्ञातवास में कैसे रह सकेंगे? ये दोनों भाई बालक नकुल सहदेव सिंह के समान पराक्रमी हैं। ये दोनों कैसे छिपकर रहेंगे? इस विषय में विचार कीजिए महाराज। और इतना ही नहीं, हमने भी कई राजाओं और राजकुमारों को उनके राज्य से निकाल दिया है। वे सब आकर धृतराष्ट्र से मिल गए होंगे। हम किसी भी प्रकार अज्ञातवास में नहीं रह सकते। हमने अब तक वन में 13 महीने व्यतीत कर लिए हैं। आप इन्हीं को 13 वर्ष समझ लीजिए। आप शत्रुओं का वध करने का निश्चय कीजिए, क्योंकि क्षत्रियों के लिए युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कर्म नहीं है। भीमसेन की बातों पर विचार करते हुए युधिष्ठिर 2 घड़ी पश्चात बोले, भीमसेन, तुम जैसा कह रहे हो वह सब ठीक है, लेकिन मेरी इस बात पर भी विचार करो। अगर हमारे पास बल है तो दुर्योधन के पास पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, महामना कृपाचार्य, यह सभी हैं। और मैं जानता हूँ कि वे राजा धृतराष्ट्र और उनके पुत्रों का परित्याग कभी नहीं करेंगे। युद्ध छिड़ने पर वे उन्हीं की ओर से लड़ेंगे। वे सभी दिव्यास्त्रों के ज्ञाता हैं। मेरी बुद्धि में तो यहाँ तक भी आता है कि स्वयं इंद्र भी उन्हें परास्त नहीं कर सकते। अब यह सुनकर भीम बहुत उदास हुए और शंका में डूब गए। दोनों पांडवों में इस प्रकार बातचीत हो ही रही थी कि तभी वहां भगवान व्यास देव जी आ पहुंचे। सभी पांडवों ने उठकर उन्हें प्रणाम किया और उनका सत्कार किया। आसन ग्रहण करने के बाद व्यास देव जी ने युधिष्ठिर से कहा, राजन, मैं ध्यान के द्वारा तुम्हारे मन का भाव जान चुका हूँ, इसीलिए शीघ्रतापूर्वक यहाँ आया हूँ। तुम्हारे मन में जो भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, दुर्योधन और दुशासन का भय बैठ गया है, मैं उसे शास्त्रीय उपाय से नष्ट कर दूंगा। उस उपाय को जानकर तुम उसका अनुष्ठान करो और अपनी मानसिक चिंता का परित्याग करो। ऐसा कहकर भगवान व्यास देव जी राजा युधिष्ठिर को अपने साथ एकांत मिले गए। भगवान वेद व्यास जी ने कहा, राजन, तुम्हारे कल्याण का सर्वश्रेष्ठ समय आया है, जिससे धनुर्धर अर्जुन युद्ध में शत्रुओं को पराजित कर देंगे। मेरी दी हुई इस प्रतिस्मृति नामक विद्या को ग्रहण करो। तुम मेरे शरणागत हो, इसीलिए मैं तुम्हें इस विद्या का उपदेश देता हूँ, जिसे तुमसे पाकर अर्जुन अपना सब कार्य सिद्ध करेंगे। राजन, ये अर्जुन दिव्यास्त्रों की प्राप्ति के लिए देवराज इंद्र, रुद्र, वरुण, कुबेर और धर्मराज के पास जाएं। ये अपनी तपस्या और पराक्रम से देवताओं को प्रत्यक्ष देखने में समर्थ होंगे। भगवान नारायण जिनके सखा हैं, वे पुरातन महर्षि महातेजस्वी नर ही अर्जुन हैं। अर्जुन इंद्र, रुद्र तथा अन्य लोकपालों से दिव्यास्त्र प्राप्त करके महान कार्य करेंगे। राजन, अब तुम अपने निवास के लिए इस वन से किसी दूसरे वन में जाने की बात सोचो। तुम्हारा कार्य यहाँ पूर्ण हो गया है। किसी एक स्थान पर अधिक समय निवास करना उचित नहीं है। तुम बहुत से ब्राह्मणों और विद्वानों का भरण पोषण करते हो। अब इस वन की औषधियों का क्षय होने लगा है। ऐसा कहकर और राजा युधिष्ठिर को आशीर्वाद देकर भगवान वेद व्यास जी अंतर्धान हो गए। भगवान वेद व्यास जी ने जिन जिन मंत्रों का ज्ञान राजा युधिष्ठिर को दिया था, उन्होंने उन्हें मन से धारण किया और वे समय समय पर उसका अभ्यास करने लगे। अब राजा युधिष्ठिर सभी पांडवों और द्रौपदी के साथ काम्यक वन में चले गए हैं। अगले एपिसोड में राजा युधिष्ठिर अर्जुन को प्रतिस्मृति विद्या का ज्ञान देंगे और अर्जुन भगवान शंकर के दर्शन करेंगे। अर्जुन और भगवान शंकर की वह कथा सुनने के लिए आपको लौटना होगा हमारे अगले एपिसोड में। आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आया होगा।
अगर आप इस एपिसोड से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा सोशल मीडिया हैंडल है माय सूत्रधार। साथ ही साथ ऐसी ही अनेक रोचक पौराणिक कथाओं के वीडियो देखने के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी सूत्रधार ऐप। हमारी ऐप एंड्रॉइड और iOS दोनों यूजर्स के लिए उपलब्ध है। यहाँ आपको हर एक कहानी सुंदर चित्रण और सटीक फैक्ट्स के साथ मिलेगी। इसके अलावा आप श्री राम कथा, मिनी टेल्स पॉडकास्ट हिंदी और इंग्लिश, नल दमयंती प्रेम कथा हिंदी इंग्लिश तथा ऐसी ही अनेक कहानियाँ अपने मन पसंद ऑडियो प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपकी सूत्रधार मान्या शर्मा मिलूंगी आपसे अगले एपिसोड में।